मध्य प्रदेश में इस समय किसानों की स्थिति बेहद खराब है। फसलों के सही दाम नहीं मिलने से किसान नाराज हैं और नाराज किसानों ने जो है मजबूरन होकर आंदोलन छेड़ दिया है। तो मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति खराब है, जिसको लेकर किसान लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसान इसी कारण से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रैली निकाल रहे हैं और किसानों में अब आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे किसान नाराज हो गए हैं, नदी नालों में अपनी फसलों को फेंक रहे हैं। मामला नागदा से सामने आया है, जहां गुरुवार को भारतीय किसान संघ के संगठन के लोग लहसुन की बोरी लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां इन सभी ने लहसुन के भाव को लेकर विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इसके साथ ही 42 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और नागेश्वर शर्मा ने बताया कि वर्तमान में किसानों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा ही किसानों के लिए बड़े बड़े दावे करती आई है, लेकिन किसानों की वर्तमान में क्या स्थिति है, ये हालात देखकर ही नजर आता है। आपको बता दें कि लहसुन के सही भाव नहीं मिलने के कारण आक्रोशित किसान लहसुन को नदी नाले में बहा रहे हैं, यहां तक कि सड़कों पर फेंक कर इसका विरोध किया जा रहा है। नागदा में एक ज्ञापन मुझे यहाँ पर दिया गया है। तीन ज्ञापन दिए गए हैं, एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम और दो अन्य जो ज्ञापन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम। प्रधानमंत्री महोदय के नाम जो विषय हैं, करीब इसमें 17-18 विषय उठाए हैं जो राष्ट्र स्तर के और किसानों से संबंधित विषय हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन सौंपा गया है द्वारा एसडीएम, उसमें करीब 33-35 42 से करीब बिंदु उठाए गए हैं।